हम होर्डिंग लगवाए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमारे यदुवंशी समाज का जो सबसे बड़ा पूजा है गोवर्धन पूजा में आ रहे हैं, उसमें हम अपने प्रकार से अपने तरीके से उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं सर। धरती पर काशी की सरजमी पर हम लोगों ने जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी के आप देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की छाया प्रति हम यदुवंशी समाज उनको मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रति छाया उनके अंदर है, और जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अपने जब धरती पर आए तो लोगों का उत्थान किए, जो समाज से वंचित दबे कुचले लोग थे उनको मुख्य धारा में लाया। जब उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, आप उनकी सारी योजना देख लीजिए, जो समाज से सबसे अंतिम तबका था उसको वो मुख्य धारा से लाना चाह रहे थे, उसको मुख्य धारा में जोड़ना चाह रहे थे। जो उत्तर प्रदेश का उन्होंने विकास किया है, जिसका बाबा जी अभी तक सिर्फ नाम बदल के अपना श्रेय ले रहे हैं, जिस विकास, ये बताता है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो है एक बड़ी सोच के साथ, और ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, अगर साधारण मनुष्य कर सकता तो बाबा जी भी कुछ कर सकते थे, कोई बढ़िया सा जो है एक्सप्रेसवे बना सकते थे, अखिलेश यादव जी से बड़ा स्टेडियम बना के उसका नाम कुछ कर सकते थे, लेकिन ये बात दर्शाता है कि अखिलेश यादव जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उनके अंदर हम यदुवंशी समाज मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की छाया प्रति है।